फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास ये 3 कोर की केबल है जो कि 1 square mm की है, और इसको कनेक्शन करेंगे हम। ये हमारे पास एक पैनल है, इस पर हम कनेक्शन कर रहे हैं। इसको कनेक्शन करने के लिए पहले हम देखिए इसमें लग्स लगाएंगे। तो इसको टर्मिनल लगाने के लिए हमें पहले इसको वायर को छीलना होगा। तो वह भी हम आपको दिखा देते हैं पहले कि इसमें कैसे थिम्बर लगाई जाती है। तो हम इसमें थिम्बर लगा लेते हैं पहले। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये हमारे पास देखिए थिम्बल होती है, कुछ इस प्रकार की थिम्बल है हमारे पास जो कि पिन टाइप थिम्बल है, और 1 square mm की है ये। और केबल भी हमारी वायर जो है हमारी 1 mm की है। तो ये हमने देखिए इस प्रकार से इसको थिम्बल लगा दी है, और इसको हम क्रिम्पिंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार का क्रिम्पिंग टूल होता है, और इसको इस तरह इसमें लगा के बहुत ही आसान है तरीके से, देखिए ऐसे प्रेस करना होता है और बस ये हमारी देखिए क्रिम्पिंग हो जाती है थिम्बल। इस प्रकार से हम सभी वायर क्रिम्पिंग कर लेंगे और फिर इसे इंस्टॉल करेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से क्रिम्पिंग हो चुका है। दोस्तों, इसको क्रिम्पिंग करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ नंबर होते हैं जो मशीन के हिसाब से, पैनल के हिसाब से हमें लगाने होते हैं। तो ये हमारे पास देखिए नंबर हैं, कुछ इस प्रकार के नंबर होते हैं। ये अलग अलग संख्या में होते हैं, 0 से 9 तक हमारे पास संख्या होती है। तो जहाँ भी नंबर जैसे 100 लिखना हो तो हमें 100 डालना होगा। उसी प्रकार से हमें हमारे पास हर अंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे पास हम इसकी करेक्शन कर रहे हैं, तो ये जैसे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 174 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे केबल लगाएंगे तो इसमें हम 174 का नंबरिंग डालेंगे, जिससे हमें वायर को खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये सभी जितने भी हमारे पास हैं सभी पे नंबर कोड लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये सारी वायर के कनेक्शन हमने किए हैं, और इसके कनेक्शन अर्जुन क्या गिराया, ये सभी वायर के कनेक्शन देखिए हम लोग कर चुके हैं। और ये हमारे देख सकते हैं आप, ये वायरिंग हमारी हो रही है। तो ये हमारी अलग अलग मोटरों की वायरिंग है, जो कि देखिए 3 फेज की मोटर जैसे रेड येलो ब्लू वायर के साथ, और ये अर्थ की वायर है हमारे पास। तो ये अलग अलग है, और ये हमारे पास देख सकते हैं आप कनेक्टर लगे हुए हैं। ये MCB है, ये MCB लगे हुए हैं, और ये कुछ ड्राइव्स लगी हुई हैं जो मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग हम कर रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।